केंद्र सरकार ने खास मुहिम प्रोग्रेस पंचायत की शुरुआत कर दी है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हरियाणा के मेवात से किया। और इस दौरान नकवी ने कहा कि प्रोग्रेस पंचायत वोट का नहीं बल्कि विकास का मसौदा लेकर की जा रही है। अल्पसंख्यकों को करीब लाने के लिए मोदी सरकार की ओर से शुरू किया गया प्रोग्रेस पंचायत का आगाज बृहस्पतिवार से मेवात के बिछौर गांव से हो गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मेवात के बिछौर पहुंचे और उन्होंने प्रोग्रेस पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रोग्रेस पंचायत वोट का नहीं बल्कि विकास का मसौदा लेकर की जा रही है। प्रोग्रेस पंचायत का मकसद और मंशा एक है कि लोगों में जो विकास का जो माहौल हमने पैदा किया है उसके प्रति विश्वास पैदा हो। हम यहाँ पर आए जब तो हम लोगों से वोट नहीं मांगा हमने कि भैया हमें वोट दे दो, हम अभी इलेक्शन होने वाला है। हमने ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी से जुड़ जाओ। हमने तो ये कहा कि भाई ऐसा है जो विकास का एजेंडा है मोदी जी का, हमारी सरकार का, उस एजेंडे का हिस्सेदार भागीदार आपको बनाना चाहिए और इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नूह के चिलावली गांव में मेवात मॉडल स्कूल की आधारशिला भी रखी। साथ ही उन्होंने मेवात के हर ब्लॉक में सद्भावना मंडप बनाए जाने का भी ऐलान किया। हम यहाँ डिग्री कॉलेज खोलने जा रहे हैं, उसके अलावा डिग्री कॉलेज के साथ साथ हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक के साथ, और उसके भी अतिरिक्त जो है वो और भी कई चीजें हैं जो पिछले कमजोर तबकों इनके इलाकों में हम करने जा रहे हैं और इसीलिए हमने इसको कहा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। राव इंद्रजीत सिंह ने भी मेवात के विकास की बात कही। मेवात के माध्यम से जाएगी, राजस्थान जाएगी, यूपी जाएगी, दूसरे होते हुए जाएगी और उसका सर्वे भी हो चुका है। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा भी ये ऐलान रह चुका है रवि साहब कि यहां पर हम भेज बनाएंगे, बच्चों को वहां पर रेल के अंदर बैठा देंगे। आपको बता दें कि इस तरह की प्रोग्रेस पंचायत देश भर में आयोजित की जाएंगी। मेवात से इसका आगाज हो गया है। दूसरी पंचायत अब 6 अक्टूबर को राजस्थान के अलवर में होगी। मेवात से अनिल मोहनिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।